मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल सुरखाब सिखों विच। मेरे वालों तुहानू सारयां नू दिवाली दियां ते बंदी छोड़ दिवस दियां बहुत बहुत वधाइयां। अज आपां बनावांगे दिवाली दी स्पैशल मठियाई काजू कतली। ये आपां बिल्कुल हलवाई स्टाइल दे विच बना के तैयार करांगे। चलो आपां इस नूं बनाउणा शुरू करदे हां। इस लई आपां 2 कप काजू लए हन। इन्हां नूं आपां चंगी तरह पहलां वॉश कर लवांगे। इन्हां नूं मैं 2 तों 3 पानी वॉश कर लिया सी तां कि इन्हां दे विच कोई भी डस्ट जां कुछ भी है तां उह चंगी तरह वॉश हो जावे ते अपने काजू बिल्कुल साफ हो जाण। तुसीं इस तरह मल मल के इन्हां काजूआं नूं वॉश कर लैणा है। हुण अपने काजू वॉश हो चुके हन। आपां इस दे विच गर्म पानी पा के इस नूं 2 तों 3 घंटे वास्ते रख देवांगे। इस दे विच मैं 2 तों 3 चम्मच दुध दे पाए हन, जिस दे नाल काजूआं दा कलर बहुत ज़्यादा वाइट आउंदा है। ये मिठाई बहुत वधिया बन के तैयार होंदी है। हुण अपने काजूआं नूं 2 घंटे हो चुके हन। हुण आपां इन्हां दी मिठाई तैयार करदे हाँ। ये देखो अपने काजू किन्ने वधिया फुल चुके हन ते किन्ना वधिया कलर आया है इन्हां दा। दुध दा करके इन्हां दा कलर बिल्कुल वाइट आया है। हुण आपां इन्हां दे विच्चों सारा पानी कढ देवांगे ते एक मिक्सर ग्राइंडर लवांगे। उस दे विच आपां सारे काजू पा लवांगे। आपां इस दे विच पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। हौली हौली लोड़ पैण ते आपां इस दे विच 2-2 चम्मच करके पानी ऐड करांगे। आपां मिक्सर नूं इकदम नहीं चलाउणा। ये देखो अपना पेस्ट बन के रेडी है। तुसीं जदों वी इस दा पेस्ट बनाउणा है पल्स मोड ते ही मिक्सर रखना है। हुण आपां इक कढ़ाई लवांगे। इस कढ़ाई दे विच आपां इह सारा पेस्ट पा देवांगे। कढ़ाई नूं मैं अजे गैस दे उपर नहीं रखिया। आपां इस दे विच सारा पेस्ट पा के इस दे विच मैं 1 कप बूरा खंड पा दित्ती है ते इस नूं आपां इत्थे ही चंगी तरह मिक्स करांगे। आपां इस नूं गैस दे उपर पहलां नहीं रखांगे। जदों इह पेस्ट ते अपनी खंड बिल्कुल मिक्स हो गई ते इस दा बहुत ही स्मूथ जिहा पेस्ट बन गया, फिर आपां कढ़ाई नूं गैस दे उपर रखांगे। इस तरह आपां इस नूं हिलाउंदे होए चंगी तरह मिक्स कर लवांगे। ये मठियाई आपां बिल्कुल 2 चीज़ां दे नाल ही तैयार करांगे, बिना घिओ तों बिना चाशनी तों। ये बहुत ही ज़्यादा वधिया बन के तैयार हुंदी है। हुण अपना मिक्सर बन के तैयार है। हुण आपां इस नूं गैस ते रख के ते इस नूं चंगी तरह हिलाई जावांगे। आपां नूं घट तों घट 12 तों 15 मिंट लग जांदे हन इस मिक्सर नूं चंगी तरह तैयार करन ते। गैस दा फ्लेम आपां बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। ये देखो अपने मिक्सर दा काफ़ी ज़्यादा कलर भी चेंज हो चुका है ते काफ़ी थिक बन के तैयार हो रहा है। आपां इस नूं उन्ने टाइम तक भुन्नांगे जदों तक कढ़ाई नूं नहीं छड़ दिंदा। तुसीं भी इस मठियाई नूं ट्राई जरूर करियो। ये सिर्फ 2 बेसिक चीज़ां दे नाल ही बन के तैयार हो जाती है ते ये स्वाद बहुत ज़्यादा बनती है। इसनों आपां लगातार ही हिलाना है ताँ कि ये बिल्कुल तले दे नाल ना लग जावे। इस तरह काजू कतली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होंदी है। ये देखो अपना मिक्सर काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। ये हौली हौली कढ़ाई नूं छड़ रहा है। आपां उन्ने टाइम लई इस नूं भुन्नांगे जिन्नी टाइम लई ये बिल्कुल भी कढ़ाई नूं नहीं छड़दा। आपां इस नूं इसे तरह हिला के ही बिल्कुल मिक्स करदिया होया ही पकाउणा है। इस नूं तैयार करन ते टाइम थोड़ा ज़्यादा जरूर लगता है पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुंदी है। ये आपां बिना किसी मिलावट तो तैयार करते हाँ ते ये बहुत ही ज़्यादा वधिया बन के तैयार हुंदी है। तुसीं भी जरूर इस नूं ट्राई करियो। ये देखो हुण अपना मिक्सर काफ़ी हद तक बन गया है। आपां इस नूं इस तरह चैक करांगे। थोड़ा जिहा मिक्सर आपां प्लेट विच लवांगे।
इस तरह आपां इसनों घुमाउंदे होए देखांगे। जेकर अपनी बिल्कुल गोली बन के तैयार हो गई बिना चिपके, तो समझो अपना जिहड़ा मिक्सर है वह बर्फी बनाने लई तैयार है। इसनों आपां एक तो दो मिनट लई होर पकावांगे। तो हुण आपां इसनों गैस बंद कर देवांगे। इत्थे मैं एक थाली लई है तो उसके उत्ते मैं एक लिफाफा लै लिया है तो थोड़ा जिहा उसनों ग्रीस कर लिया है। इस दे उत्ते हुण आपां एक मिक्सर पा देवांगे। इस तरह इस नूं आपां दोनों साइडा तो पलटते हुए चंगी तरह मिक्स करांगे। इस नूं आपां एक सॉफ्ट जिहा जिस तरह आपां आटा गुंदे हाँ उस हिसाब का तैयार कर लवांगे। ये देखो कितना वधिया अपना बैटर है बन के तैयार हो चुका है। हुण आपां इस नूं वेलने दे नाल वेल लवांगे। आपां इस नूं चौरस वेलांगे। हुण इस नूं वेलन तो मगरों आपां 5 तो 10 मिनट दे लई इसे तरह ही हवा दे विच रख देवांगे। थोड़े टाइम दे विच ये बिल्कुल सैट हो जाएगी ते ये बर्फी कट्टन दे विच भी बहुत सौखी होगी ते बहुत ज़्यादा वधिया बन के तैयार होगी। हुण मैं इस दे उत्ते चांदी दा वर्क लगा रही हाँ, तुहाडे कोल जे है तां तुसीं लगा लो, नहीं तां कोई नहीं। हुण अपनी बर्फी सैट हो चुकी है। मैं इस तरह एक स्केल लिया है ते उस दे नाल मैं इस दे विच कट लगा रही हाँ। हुण आपां इस नूं इस तरह डायमंड शेप दे विच कटांगे। ये देखो अपने काजू कतली किन्नी वधिया बन के तैयार हो चुकी है ते किन्नी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। ये बिल्कुल अपनी हलवाई स्टाइल काजू कतली बन के तैयार है। तुसी जरूर ट्राई करियो। जेकर तुहानू वीडियो वधिया लगी तो प्लीज़ वीडियो नू लाइक ते शेयर जरूर करियो। तो जेकर तुसी मेरे चैनल ते पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल नू भी सबसक्राइब करियो। ये देखो हुण आपां इसनों एक वारी तोड़ के देखते हाँ ये किन्नी वधिया सॉफ्ट बन के तैयार हो चुकी है। ये देखो जी किन्नी वधिया अपनी काजू कतली बन के तैयार है। हुण आपां मिलते हाँ अपनी नैक्सट वीडियो दे विच। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।